पांडे पर हुआ 100 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल। पूनम अपनी फेक डेथ के चलते फंसी लीगल ट्रबल में। पूनम पांडे और उनके एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे भी आए मुश्किल में। पूनम पांडे अपनी फेक डेथ स्टंट को लेकर फिर आई हैं सुर्खियों में। इस बार उन्हें लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ा है। दरअसल पूनम पांडे और उनके एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लॉसूट फाइल किया गया है। रिपोर्टेडली मुंबई के रहने वाले फैजान अंसारी ने पूनम और उनके एक्स हस्बैंड पर फॉल्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेथ और कैंसर जैसे सीरियस इलनेस के जरिए पब्लिसिटी गेन करने के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि कपल ने न सिर्फ मिलियंस ऑफ इंडियंस का ट्रस्ट ब्रेक किया है बल्कि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी की रेप्यूटेशन भी की है खराब। कंप्लेनेंट की FIR में लिखा है, पूनम पांडे एंड हर एक्स हस्बैंड सैम बॉम्बे कंस्पायर्ड टू स्टेज हर डेथ, मेकिंग अ मॉकरी ऑफ अ सीरियस इलनेस लाइक कैंसर। पूनम पांडे ऑर्केस्ट्रेटेड द स्टंट फॉर हर पर्सनल पब्लिसिटी, बिट्रेइंग द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री। उन्होंने आगे कपल के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करने की भी अपील की है। आपको बता दें, पूनम पांडे ने कुछ दिन पहले अपनी फेक डेथ की रूमर सुनाई थी और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर कहा कि उन्होंने ऐसा सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए किया था, जिसके लिए लेटर पूनम और उनकी PR टीम को जमकर क्रिटिसाइज किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों ने जहां पूनम के पब्लिसिटी स्टंट को स्लैम किया, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने स्टेटमेंट जारी कर उनके अगेंस्ट FIR की डिमांड की और अब कानपुर कोर्ट में पूनम पांडे और उनके एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि कैसे पूनम पांडे खुद को अब इस लीगल ट्रबल से बाहर निकालती हैं।